का जो राजनीतिक और सामाजिक इतिहास है वो लगातार पहले भी गांजा शराब वर्चस्व की कई तरह की लड़ाई बीच बीच में रह रह करके इस तरह के बड़े बड़े घटना होती रही और मुझे लगता है कि ऐसे घटनाओं के बाद कई बार चीज़ें राजनीतिक रूप से दब जाती है या फिर उस पर वो कंप्लीट रूप से गलत आदमी को कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो जाता है, पदाधिकारियों का संरक्षण प्राप्त हो जाता है पैसे के बदौलत ताकत के बदौलत। तो जो राघोपुर के निर्माण वाले लोग हैं या इस तरह के माहौल से बिल्कुल दूर हैं जिसका दारू से गांजा से बालू से कई तरह के गलत चीज़ों से काफ़ी संगत नहीं। अभी देखिएगा जो NH बन रहा है वर्चस्व की लड़ाई हमेशा, और मुझे इतना दुख है नरसंहार तो मैं लगातार डेली, कल भी हम तीन भाई को बेगूसराय से आ रहे हैं उसकी दोनों लाश को दोनों भाई को मार दिया, मुखिया जी को मार दिया राघोपुर में। डेली दो दर्जन तीन दर्जन से ज़्यादा हत्या एक शहर में होती है, जिंदा जला दिया जाता है आदमी को। लेकिन जो घटना कल हुई है वो पूरी साजिश थी मुखिया जी को मारने उधर है, और पंचायत हो गया, पंचायत के बाद जब सभी लोग गांव जा रहे हैं उसके बाद टारगेटेड करके आप नरसंहार के रूप में अभी पांच आदमी नहीं मिला है, जिसमें यह कंफर्म है कि एक का लाश आया है, दो को काट के उस पर खून मिला सारी चीजों पर और उसको काट के फेंक दिया गया। मुखिया जी या गांव के लोग कह रहे हैं कि और भी जो लोग थे जिसको मैं पर्सनली जानता हूं, इस तीन के अलावे दो और लोग, पांच लोग की हत्या हुई है। अब आप सोचिए, कई बार जब भी हत्या हुई हम राघोपुर गए और कई बार इस ऐसे घटनाओं में जब तनाव भी हुआ तब भी हम राघोपुर जा करके उस तनाव को कोशिश किए कि राघोपुर कम से कम एक अमन चैन गांव और समाज के रूप में जाना जाए। लेकिन जो कल घटना घटी है यह कंप्लीट रूप से समझिए कि अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए घटना घटी। इस घटना में कोई मतलब नहीं है सिर्फ शराब का वर्चस्व, हमारा वर्चस्व, पंचायत में वर्चस्व, इलाके में वर्चस्व, मतलब वर्चस्व के लिए आप जितना नरसंहार हो सकता हो कर लें। और फिर इस पर कोई बिहार की जो स्थिति है, डीजी साहब भी कल थे हाजीपुर में, तो हम तो अभी डीजी साहब से भी फिर बातचीत किए हैं इस कांड में, हम चाहेंगे कि इसमें और कौन कौन लोग पीछे से इन्वॉल्व है इसकी भी जाँच हो, CID से जाँच करवा दी जाए, क्या इसमें गहरी साजिश है, कितने लोग बाहर से कौन कौन लोग हैं, कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए हम किसी भी परिस्थिति में। एक तरफ जहां सरकार कहती है कि ठीक है, देखिए भैया हम उस पर नहीं जाएंगे। 30,000 2018 तक हत्या हुई है बिहार में।